ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के। इससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे फिर आपके साथ आपके राशिफल को लेके। और ये जो राशिफल है आपका पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले पंचांग की जानकारी आपको देते हैं। देखिए, बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 4 दिसंबर सन 2023 दिन सोमवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज सप्तमी। नक्षत्र रहेगा मघा, योग होगा वैधरति और करण होगा वृष्टि। राशि रहेगी आज सिंह। चंद्रमा पूरे दिन करेंगे सिंह राशि में संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 8:16 से लेकर प्रातः 9:34 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर के दोपहर 12:31 तक रहेगी। गंडमूल आज रात्रि 12:35 पर समाप्त हो रहे हैं। ये थी जानकारी पंचांग के विषय में साथियों। अब आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। बताना चाहेंगे कि मौज मस्ती और मनपसंद कार्य करने का आज का दिन है आपके लिए और कुछ नए एग्रीमेंट या नई डील आपको फायदेमंद दिख सकते हैं होते हुए। हालांकि वो उम्मीद के मुताबिक आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे और अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते समय जल्दबाजी में कोई डिसीजन बिल्कुल ना लें और कोई मित्र अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है और अगर आपसे मशवरा मांगता है तो आपको बहुत उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर के, गंभीरता से सुनकर के और बहुत ही गंभीरता के साथ आपको उसका उत्तर देना है। आज आपको ये महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना अधिक प्यार करता है और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने कार्य करने के तरीके पर गौर करने की भी ज़रूरत होगी। नहीं तो आप बॉस की नज़रों में आपकी एक कह सकते हैं कि नकारात्मक इम्प्रेशन आपका बन सकता है। और शाम का वक्त अच्छा रहे इसके लिए आपको दिन भर मन लगा करके काम करने की आवश्यकता रहेगी और आज आप ये महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। उपाय आप करें, केतु यंत्र को अपने घर में पूजा घर में स्थापित करके उसकी नियमित रूप से पूजा करेंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए आज 6। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। तो साथियों, आपका विनम्र स्वभाव को काफी प्रशंसा मिलेगी, काफी अप्रिशिएशन मिलेगा और कई लोग आपकी अच्छी खासी तारीफ भी करेंगे, अलग से आपके सामने आके करेंगे। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र भी इच्छा पैदा हो सकती आज के दिन और आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करने वाला है। आपका प्रिय को आपके भरोसे और वादे की देखिए जरूरत है और आप स्वयं को ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे आज के दिन और इस ऊर्जा का प्रयोग काम काज में आपको करना है, ये ध्यान रखना है। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ आप अपना समय गुजार सकते हैं और आज आपको ये महसूस होगा कि जीवन साथी की जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। उपाय आप करें, तले हुए काले चने गरीबों में बांटें, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए 4। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, आज के दिन आपको कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ सकता है लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपने अगर अनुकूल परिणाम पाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए कड़ी मेहनत जरूर करें और इन नाकामियों को तरक्की का बिल्कुल भी बेस ना बनाएं। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी आपके काम आ सकते हैं और आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। ये भी ध्यान रखने की वाली बात है। अपनी बातों पर काबू रखिएगा क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग काफी हर्ट हो सकते हैं और बेकार की बातें करके अपना समय बर्बाद करने से तो ज्यादा अच्छा है कि शांत रहा जाए। और ये भी याद रखिएगा कि समझदार कार्यों के जरिए ही हम जीवन को कोई ना कोई अर्थ देने में सफल होते हैं और उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। और याद रखिए कि आंखें कभी झूठ नहीं बोला करती। आज आपके प्रिय की आंखें आपको वाकई कुछ कुछ स्पेशल बताने वाली है और चीजों के होने का इंतजार मत कीजिए। बाहर निकलें और नए मौकों की तलाश करें। आपके घर का कोई सदस्य आज आपके साथ वक्त बिताने की जिद कर सकता है जिसके कारण आपका कुछ समय खराब हो जाएगा। बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ, यही आज का है खास आपके लिए। उपाय आप करें, अच्छे स्वास्थ्य
अगर आप अपना चाहते हैं तो उसके लिए हरी ज्वार का दाना आप कर सकते हैं या फिर उसको गाय को खिला। शुभ रंग आपके लिए केसरी और शुभ अंक आपके लिए आज 9। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, आज भी करें। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज सफल या तो कम होंगे या नहीं होंगे। हालांकि आपको इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थिति में बदलाव जल्दी आप होते देखेंगे, उसमें सुधार होगा और बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी बेवजह मांगों से आपको कर सकते हैं कहीं ना कहीं परेशान। काफी वक्त फोन ना करके आप अपने प्रिय को तंग कर रहे हैं, ऐसा मान के चलें, और पेशेवर तौर पर अपने अच्छे कार्य की पहचान आपको आज मिल सकती है। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। हंसी मजाक के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा उभर के आ सकता है जो वाद विवाद का रूप भी ले सकता है। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए गाय को आपको गुड़ खिलाना है। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए आज 2। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, तो आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकने वाला है साथियों, और सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे आप। आपका जो पैसा है तभी आपके काम आएगा जब आप उसको पूरी तरह से अच्छी जगह पर सही तरीके से सेव करेंगे, और ये बात भली भांति आपको जान लेनी चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में पैसे की कमी के कारण पछताना पड़ सकता है। और उस रिश्तेदार को भी आप जरूर देखने के लिए जाएं जिनकी तबीयत कुछ समय से या तो खराब है या वो स्वास्थ्य से थोड़ा परेशान है। रोमांस आपके दिल और दिमाग पर छाया रहेगा क्योंकि आज आपकी मुलाकात हो सकती है अपने प्रिय से। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की जो है सराहना की जाएगी। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी साथियों बहुत आवश्यक होता है, और ये बात आज आप समझने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, खूबसूरत है। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए 6। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, साथियों आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने हंसाने की जो शैली है यही है, और अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आप इसका उपयोग तो करके देखिए कितना काम की चीज है। अगर आप लोन आदि के लिए कोशिश कर रहे थे और काफी दिनों से काम आपका नहीं बन पा रहा था और आप बराबर इस काम में अपने एफर्ट डाल रहे थे इस काम को होने के लिए, तो आज के दिन आपका ये कार्य बन सकता है, इस बात की काफी संभावना है। और बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से भी गर्व का अनुभव करा सकते हैं, और अपने साथी को भावनात्मक तौर पर और ब्लैकमेल करने से बचना होगा। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और आपका संगी आपसे सिर्फ कुछ समय चाहता है लेकिन आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे वो थोड़ा सा इस बात को लेकर के परेशान है, और आज उनकी ये परेशानी स्पष्टता के साथ आपके सामने आ सकती है। आस पड़ोस की किसी सुनी सुनाई बात को लेकर आपका जीवन साथी आज बना सकता है तिल का ताड़। और उपाय आप करें, तांबे के चैन में डाले गए रुद्राक्ष को धारण करने से प्रेम संबंध बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए 7। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, साथियों आज अपनी सेहत की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके जो आसपास के लोग हैं आपको काफी प्रोत्साहित करने वाले हैं और आपको काफी आपके कार्यों के लिए अप्रिशिएट करने वाले हैं। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से कर सकता है दूर, और किसी नजदीकी रिश्तेदार या आपका कोई नजदीकी मित्र की ओर से कोई अच्छी खबर के मिलने के कारण आपके अच्छे दिन की ही शुरुआत होने की पूरी संभावना है। अपनी दीवानगी को जरूर काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंधों को मुश्किल में भी डाल सकता है। और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल अपने हित में करें, इसकी मदद से आप पेशेवर योजनाओं और नए विचारों को पूरा कर सकते हैं। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अपनी दीवानगी को जैसा हमने कहा कि काबू में अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है, और आपके प्रेम संबंध भी जो है वो मुश्किल में आ सकते हैं, वहां पर भी मुश्किल पैदा हो सकते हैं। और आप अपने पेशेवर योजनाओं को कायदे से और सही समय पर पूरा करने की कोशिश करें, उन पर कार्य करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर भी निकलना पड़ सकता है जिसकी वजह से घर वालों का साथ समय बिताने का आपका प्लान जो था वो पूरा नहीं हो सकता है। आपका जीवन साथी आपकी जरूरतों को थोड़ा अनदेखा कर सकता है जिसके चलते आप थोड़ा सा चिड़चिड़े भी हो सकते हैं।
उपाय आप करें, तले हुए काले चने गरीबों में अगर आप बांटते हैं तो प्रेम संबंधों के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 5। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। प्रिय साथियों, अपने जीवन को चिरस्थायी बिल्कुल ना मान के चले और जीवन के प्रति सजगता को अपनाना होगा आपको, तभी बात बन पाएगी सही। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित जो बिल वगैरह हैं या कोई उधार है उनको चुकाने में सक्षम रहेंगे और जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है उनकी किसी बात से, और कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिल सकता है। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत रहेगी। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक की कारण बन सकता है। उपाय आप करें, स्फटिक की बनी माला एक दूसरे को गिफ्ट में देना प्रेम संबंधों के लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए 1। धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन। तो जो हमारे धनु राशि के मित्र हैं उनसे हम बताना चाहते हैं कि आज के दिन जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके पिता हैं उनकी नाराजगी के कारण आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि जो अपनी प्रॉपर्टी आदि में से या अपनी जायदाद में से कुछ आपको देना चाहते हैं उसमें कमी कर दें या ना दें या डिले कर दें, लेकिन आप इन बातों को देख करके बिल्कुल भी निराश ना हो। और ये ध्यान रखें कि संपन्नता दिमाग को जंग लगा देती है साथियों, और कठिनाई उसको और पैना कर देती है। आज के दिन आपको शराब जैसे जितने भी मादक पदार्थ हैं, तरल पदार्थ, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, और नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान अपना खो बैठेंगे। घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कार्य जो हैं उनके हिसाब से अच्छा दिन रहने वाला है आपके लिए, और आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। ये बात भी आपको समझनी होगी और आप जीत और मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाएंगे। देखिए, कर्म कांड, हवन, पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन आज आपके घर पर हो सकता है, इस तरीके का कोई भी इवेंट, और अपने जीवन साथी के साथ आप आज एक शानदार शाम भी गुजार। उपाय आप करें, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाने पर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए आज 8। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन। प्रिय साथियों, आज के दिन आप स्वयं को रोजाना की कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम एनर्जेटिक फील करेंगे और स्वयं को जरूरत से ज्यादा कार्य के नीचे आप बिल्कुल ना दबाएं, यानी कि वर्क प्रेशर अपने ऊपर ज्यादा ना लें, उतना ही वर्क प्रेशर लें जितना आप करने में सक्षम हो, और पूरा फुल टाइम अपने कार्य में भी इन्वॉल्वमेंट अपनी ना रखें। थोड़ा सा अपने आप को समय निकाल के दें, थोड़ा अपने आप को आराम दें ताकि आप आगे आने वाले जो कार्य हैं उनको और बेटर तरीके से पूरा कर सकें, और आज के कामों को कल तक के लिए टाल देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा कार्य हैं आपके पास तो उसमें से कुछ कार्य कल के लिए टाल सकते हैं। पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी होती नजर आती है और अचानक आई जिम्मेदारी आपकी दिन की योजनाओं में थोड़ा कर सकती है बाधा। आप ये पाएंगे कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा और खुद के लिए कुछ कम कर पा रहे हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर काफ़ी ऊंचा रहने वाला है यूँ तो आज, क्योंकि आपका प्रिय आपके लिए बहुत सारी खुशी का कारण भी बन सकता है। अगर आप अपने कार्य पर ध्यान दें तो कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी अपनी होगी। और दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी थोड़ी बहुत कहासुनी भी होने के योग हैं और आपका मूड भी उन बातों को लेकर के बिगड़ सकता है। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए किसी फरिश्ते की तरह है ये मान के चलिए, और आपको आज ये एहसास होगा। उपाय आप करें, सफेद कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा पहनने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए 2। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है और किसी करीबी मित्र की मदद से आज कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ होने की भी संभावना है, और यह धन आपकी कई परेशानियों को कर सकता है दूर। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए मित्र मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को समझ नहीं पाया है या समझ नहीं पा रहा है तो आज उनके साथ वक्त आप जरूर बिताएं और अपनी बातों को उनके सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखें और अपने संयम और साहस का भी आप परिचय दें, विशेष तौर पर जब दूसरे आपका विरोध कर रहे हों उस समय पर, जिसकी कामकाज के दौरान काफी अच्छी संभावना भी बनती है ऐसा होने की।
और दिल के करीबी लोगों के साथ अपना वक्त बिताने का मन आपका जरूर करेगा आज, लेकिन आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं रह पाएंगे साथियों। आपका जीवन साथी हाल में हुई किसी खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का आपको परिचय देगा। उपाय आप करें रेशमी वस्त्र किसी गरीब कन्या के विवाह में भेंट करने से रोजगार या व्यापार में तरक्की मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए संतरी और शुभ अंक 6। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। साथियों अपना तनाव दूर करने के लिए अपने परिवार वालों की मदद जरूर लें, उनकी सहायता को खुले दिल से आप एक्सेप्ट करें और अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं ना। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से आपको ही फायदा होगा और जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आने वाला है, इसलिए आज से ही अपने पैसे की अगर बचत करनी आरंभ कर देते हैं तो ये एक अच्छा कदम होगा, वरना आने वाले दिनों में भविष्य में आपको पैसे से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और कोई नया रिश्ता ना सिर्फ लंबे वक्त तक कायम रहेगा बल्कि फायदेमंद भी साबित होगा। अपने प्रिय को समझने की कोशिश करनी होगी आपको, नहीं तो मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। और यह दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का एक बेहतरीन समय भी है साथियों, ये बात बहुत ध्यान देने की जो हम बोल रहे हैं। और आज अपने नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और अपने जिन कार्यों को करने के लिए आप चुनते हैं वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फायदा भी दे सकते हैं, ये नहीं भूलना है आपको। और यह दिन आपके जीवन साथी के रूमानी पहलू को भरपूर तरीके से भी दिखाने वाला है। उपाय आप करें भगवान शंकर जी की पूजा करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए आज 5। तो मेरे प्रिय साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 4 दिसंबर सन 2023 दिन सोमवार विक्रम संवत 2080 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से जाने वाला है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हम को अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।